हमने गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी को सिर्फ करामतों वाला बुजुर्ग समझा है और उनको यही जाना है, हालांकि गौसे आजम की सीरत के ऐसे ऐसे पहलू हैं कि जिसको सुनकर हम बहुत कुछ अपनी जात में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सारे ग्यारहवीं मनाने वाले हैं, लंगर खाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं, भाई क्या जानते हो गौस पाक के बारे में? गौस पाक ने फला बीमार को ठीक कर दिया था, दुआ की थी तो कश्ती तरा दी थी, ये सारे वाकियात हैं। और क्या जानते हो गौस पाक के बारे में? हमने तो बचपन से गौस पाक की करामत ही सुनी है। मैं गौसे आजम की सीरत, आपकी लाइफ कैसी थी, इससे मैं और आप क्या सीख सकते हैं, वो मैं चंद बातें कर देता हूं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अपने जमाने के सबसे बड़े आलिम थे, अपने जमाने के सबसे बड़े मुफ्ती थे। शायद हम में से बहुत सो को नहीं पता, आप मदरसे में जाते भी थे और बाद में मदरसा पढ़ाते भी थे। आपकी लाइफ तदरीस में गुजरी, 40 साल तक आपने बयानात किए। आपने जब बयान नहीं करते थे ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का बेदारी में दीदार किया। आका ने फरमाया, मेरे बेटे बयान क्यों नहीं करते? हुज़ूर मैं अजमी हूं, बगदाद में सारे अरबी हैं, मैं इनके सामने कैसे बयान करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। कहते मैंने मुंह खोला, मेरे आका ने अपना लुआबे दहन 7 बार मेरे मुंह में डाल दिया। आए हाय, थोड़ी देर बाद शाम हुई तो मौला अली का दीदार हुआ, कहा मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, 6 बार मौला अली ने मेरे मुंह में लुआबे दहन डाला। गौस पाक कहते हैं वो दिन है, उसके बाद बयान शुरू किया। शुरू में तो 2-4 लोग बैठते थे, आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ते गए, यहां तक कि 70,000 लोगों का मजमा हो जाता था। 400 उलमा सिर्फ गौस पाक के फरामीन लिखते थे, हजारों लोग मुसलमान हुए, कई लोग ताइब हुए। ये गौसे पाक का अंदाज, 40 साल तक दीन की खिदमत आपने की। ए कादरी कहलाने वालों, ए गौसे पाक से मोहब्बत करने वालों, आज पहला दर्स ये लेके जाओ कि हमें भी नेकी की दावत देनी है, हमें भी दर्स बयान करना है। अल्लाह हमें ये मौका दे, तो ये अल्लाह वालों का तरीका है। जिस पीर का मुरीद हूं गौसे आजम, वो 40 साल तक बयान करते रहे। शुरू तो करें, अल्लाह पाक फैजान गौसे आजम आपकी जबान पर जारी कर देगा।